जोधपुर की एक अदालत ने सलमान खान को 18 साल आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया है। ये मामला काले हिरण के शिकार से जुड़ा है। क्या है पूरा मामला, इसे समझते हैं। साल 1958 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। तब सलमान खान के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हुए थे। इन सालों में सलमान खान ने 2 चिंगारा और 2 काले हिरण को मारने के मामले में कई बार कोर्ट के चक्कर काटे। सलमान खान पर शिकार के दौरान गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का मामला था। जोधपुर की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत ये फैसला सुनाया है। बता दें कि 2007 में सलमान खान जोधपुर जेल में 7 दिन रहे थे। बाद में उन्हें अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। बहुत से लोग अदालत के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं, मोदी जी ने तुष्टीकरण कर दिया। क्रिमिनल केस में अभियोजन पक्ष सरकार होती है। सबूत पेश करने का दायित्व चिंकारा के रिश्तेदारों का नहीं, राजस्थान सरकार का था। बचा लिया, हो गया तुष्टीकरण। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।